स्टेटमेंट ऑफ डी एलम्बस टेस्ट। किसी को याद नहीं है? स्टेटमेंट समेशन ऑफ बी एन इनफाइनाइट प्रॉपर्टी बताइए सर। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, हम लोग निकाल रहे थे यू एन प्लस वन बाय यू एन, ये निकाल रहे थे ना। ये कन्वर्जेंट कब दिया हुआ है? यस मैम, इट इज कन्वर्जेंट व्हेन एम व्हेन एम इज लेस देन वन। यस, convergent when L is less than 1, divergent when ठीक है। वहां पे जब डीएलएम्बर्स टेस्ट मैंने पढ़ाया था, वो एंड होने के बाद आपको एक नोट करके लिखा हुआ होगा, वो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था बिकॉज आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस टेस्ट को हम लोग इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट n tends to infinity un by un plus 1, ये अगर l है ठीक है। जस्ट इसको रिवर्स कर दिया है हमने, क्यों किया है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आप डीएलएम्बर्स रेशियो टेस्ट का ये स्टेटमेंट भी दे सकते हो, लिमिट n tending to infinity un by un plus 1 अगर l है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। बता सकते हैं कब? L is greater than 1. Yes, ये भी रिवर्स हो जाएगा। This series is convergent when L is greater than 1 and divergent when L is less than 1. ठीक है? अब ये हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं? जनरली हम लोग न्यूमेरिकल में ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज जो आप रैबिस टेस्ट या इसके बाद जो भी टेस्ट पढ़ोगे उसमें un by un plus 1 यूज होता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने ये भी निकाला है तो इसको हम लोग लास्ट में रिवर्स कर देंगे। un plus 1 by un का वैल्यू निकाले हैं, उसको un by un plus 1 लिखना है तो रिवर्स कर देंगे, पर बेटर होगा अगर आप प्रैक्टिस करो un by un plus 1। और यहाँ पे ध्यान रखना है ये कन्वर्जेंट होगा when l is greater than 1 पे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? दोनों स्टेटमेंट डीएलएम्बर्स टेस्ट के लिए है। इससे आप प्रैक्टिस कर लिए हो तो कोई इशू नहीं है, इसका हेल्प से भी हम लोग बना सकते हैं। टेस्ट फेल करता है तो हम लोग रैबिस टेस्ट लगाते हैं। रैबिस टेस्ट और दो कुछ और टेस्ट है, सब में हम लोग वैल्यू निकालते हैं यूएन बाई यूएन प्लस वन का। इसलिए बेटर होगा आप इस स्टेटमेंट को फॉलो करो, तो आपको एक ही स्टेटमेंट फॉलो करना होगा। सो कम टू द स्टेटमेंट ऑफ रैबिस टेस्ट। रीड कीजिए क्या लिखा है गया है रैबिस टेस्ट स्टेटमेंट। कोई एक रीड कीजिए। स्टेटमेंट रीड करने कहा मैंने? लेट समेशन यू एन बी द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म्स एंड लेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इनटू में एन है, यूएन बाय यूएन प्लस वन इनटू में एन। अच्छा अंदर है? Yes. नहीं वहीं पर ब्रैकेट से बाहर ना। यस मैम ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है,
एन यू एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से इसको लिखेंगे तो ये आपको याद रखना है कंडीशन। डीएलएमबर्स में क्या था, रैबिस टेस्ट का कंडीशन क्या है। स्टेटमेंट लिखने भी आता है एग्जाम में, स्टेट रैबिस टेस्ट, तो स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा, अब इस पे बस ध्यान दीजिए, यूएन बाय यूएन प्लस वन है तो कन्वर्जेंट कब होना चाहिए। L is greater than 1, divergent if L is less than 1 and test fails if L is equal to 1, ठीक है। तो जहां भी u n by u n plus 1 होगा वहां greater than 1 पे convergent होगा और less than 1 पे divergent होगा। और अगर आपने यू एन प्लस वन बाई यू एन लिया है तो लेस देन वन पे कन्वर्जेंट एंड ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान से रखना है, दिस इज द कंडीशन ऑफ रैबिस टेस्ट। प्रूफ सबको समझ में आ गया या डिस्कस करना है, इसका वीडियो लेक्चर भी मैंने सेंड किया है। सिर्फ नोट्स है आपके पास या प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर भी है? वीडियो लेक्चर नहीं है मैम। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वीडियो लेक्चर रहता तो शायद आपको समझ में आ जाता। स्टेटमेंट सारे का अलग से लिखते जाइए, डीएलएमबर्स टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, रैबिस टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सारे टेस्ट का स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, स्टेट एंड प्रूफ भी एग्जाम में आता है एंड न्यूमेरिकल। सो प्रूफ लेट द गिवन सीरीज इज समेशन यू एन इज इक्वल टू U1 plus U2 plus U3 plus UN plus 2 infinity। Summation UN को हम लोग यही लिखते हैं, अगर expand करके आपको दिखाना है तो it is U1 plus U2 plus U3 dot 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 nth term is UN और up to infinity तक ये जाएगा। यहाँ पे हम लोग अपने से comparison test लगाने के लिए एक VN assume कर रहे हैं, तो VN उसी फॉर्म का लेंगे जो P सीरीज का फॉर्म होता है। तो आपको पता है P सीरीज का फॉर्म क्या होता है, किसी को याद है? अगर आपसे बोला जाए P सीरीज लिख कर दिखाइए तो क्या लिखेंगे, नोट्स नहीं देखना है, अपने से सोच के बताइए। Anyone, P series क्या होता है? By 1P plus 1 by 2 to the power P plus 1 by 3 to the power short 1 में summation by 1 by n to the power P summation yes n to power. P series बोला जाए तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए summation 1 by n to the power P, तो इसी को हम लोग summation vn मानकर आगे proceed करेंगे, ठीक है। Let the auxiliary series, एक normal series है जो general है उसका एक word हम लोग auxiliary भी बोलते हैं, auxiliary series summation vn be summation 1 by n to the power p, then vn कितना होगा, Vn is v
vn का वैल्यू इतना टाइम केवल vn लिखना है तो क्या लिखेंगे? आवाज आ रही है? अगर समेशन vn ये है तो vn क्या होगा? वन बाय एन का पावर पी। इतना टाइम क्यों लग रहा था? वन बाय एन टू दी पावर पी। व्हाट अबाउट वी एन प्लस वन? अगर वी एन प्लस वन लिखना रहे वन बाय वन एन प्लस वन होल टू दी पावर पी। एन प्लस वन पावर। मुझे आप लोग में से कोई बता सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेकंड कंपैरिजन टेस्ट क्या लिखाया गया है? किसी को याद है सेकंड कंपैरिजन टेस्ट? कॉपी देख के नहीं, स्टेटमेंट याद है किसी को? नेक्स्ट क्लास में सारे टेस्ट का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट। कोई एक रीड कीजिए, क्या बताया गया सेकंड कंपैरिजन टेस्ट? याद नहीं करेंगे तो अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा। जल्दी रीड करके बताओ सेकंड कंपैरिजन टेस्ट माने क्या लिखाया गया है, उसको कैसे यूज करते हैं मैं अभी बताऊंगी। नोट्स लेकर नहीं बैठे हैं आप लोग? इतना टाइम लग रहा है? स्टेटमेंट ऑफ सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। जल्दी नोट्स नहीं है किसी के पास? इतना टाइम आप लोग लगा रहे हो? Limit n tends to infinity un by vn is equal to finite. Un by vn is finite. Then conversion का केस क्या लिखा गया है? कुछ और कंडीशन होना चाहिए ना? And non-zero number L, then summation un and summation vn are either both convergent or both divergent. पूरा स्टार्ट से रीड कीजिए तो एक बार। If limit n tends to infinity, un by vn is equal to a finite and non-zero number L. Then summation un and summation vn are either both convergent or both divergent.
और फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट इफ यू एन लेस देन इक्वल टू के वी एन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन वेन एन इज ग्रेटर देन जीरो एंड के इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर एंड vn is convergent when summation un is also convergent. ठीक है, एक ही फॉर्म रहने दीजिए. इफ un इज लेस इक्वल टू के vn, k एक फाइनाइट या फिक्स नंबर होना चाहिए. तो अगर समेशन vn कन्वर्जेंट है तो समेशन un भी कन्वर्जेंट होगा. एंड सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट में है यू एन बाई वी एन एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए. यहाँ सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट यूज किया है तो उसमें तो हमने ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज किया नहीं है, वही मैं देख रही हूँ. un by un plus 1 should be greater than vn by vn plus 1. Second comparison test में तो हम लोग greater less than का sign use करते नहीं है. अच्छा, पहले इस सीरीज का बात कीजिए, कैसे कंपैरिजन किया गया है. फर्स्ट लगाया गया कि सेकंड लगाया गया, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी मैं. समेशन वीएन आपका सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट कब होगा? व्हेन ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा? दिस इज पी सीरीज. पी सीरीज कन्वर्जेंट कब होता है? पी इज ग्रेटर देन 1. व्हेन पी इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ या व्हेन पी इज लेस देन 1. समेशन वीएन कब कब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा तो पता चल गया हमें. समेशन यूएन कब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा ये हमारा एम है फाइंड आउट करने का. तो यूएन कब कन्वर्जेंट होना चाहिए?
अच्छा वी एन बड़ा है कि वी एन प्लस वन बड़ा है, बता सकते हैं? दो वैल्यूज हमने निकाला है, वी एन और वी एन प्लस वन। वी एन इज ग्रेटर और वी एन प्लस वन इज ग्रेटर? वी एन बड़ा है मैम। क्योंकि डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू छोटा हो जाना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, सेकेंड नहीं लगेगा, इसलिए मैं कंफ्यूज कर रही थी। यहाँ सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट लिखा हुआ है आपके नोट्स में, इसलिए मैं दोनों का स्टेटमेंट लिखा के कंपेयर करना चाह रही थी। तो यहाँ पहले मैं कंक्लूड कर लेती हूँ, उसके बाद आप तो करेक्शन कीजिएगा। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट का तो स्टेटमेंट यूज नहीं हो रहा है। तो समेशन वी एन कब कब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है आपको पता चल गया। तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग देख रहे हैं, un अगर लेस इक्वल टू k टाइम्स vn होता है तो आपका सीरीज कन्वर्जेंट हो जाता है, ठीक है? लेकिन हम लोग यहाँ पे un by un plus 1 करना चाह रहे हैं और vn by vn plus 1 करना चाह रहे हैं। k का वैल्यू मान लेते हैं 1 ही है ना, कोई भी एक फिक्स नंबर होना चाहिए। तो k को अगर हम लोग 1 ले लें तो ये वैल्यू में अगर un लेस इक्वल टू vn है तो un by un plus 1 और vn by vn plus 1 में कंपेयर करेंगे तो क्या होना चाहिए वैल्यूज? कोई एक वैल्यू रख के कंपेयर करके मुझे बताइए तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा। अगर लेस देन ही मान ले, यू एन इज लेस देन वी एन, तो यू एन प्लस यू एन बाई यू एन प्लस वन और वी एन बाई वी एन प्लस वन का वैल्यू रखेंगे तो क्या ये लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा? दो नंबर लीजिए, un और vn, जहाँ पे un इज लेस देन vn है। कोई एग्जांपल बताइए, कोई दो नंबर un लेस देन vn होना चाहिए। मैम un बाय un प्लस 1 इज ग्रेटर देन vn बाय vn प्लस 1 होगा। मिल रहा है ना सबको? एक एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं। बताइए कोई वैल्यू जहाँ पे un लेस देन vn है, कोई भी दो नंबर बताइए। टू और फोर में, टू और थ्री, टू और फोर, जो भी नंबर ले सकते हैं। तो यू एन प्लस वन कितना हो जाएगा? यू एन अगर टू है तो थ्री हो जाएगा। उसके बाद का नंबर यानी थ्री, थ्री के बाद का नंबर फोर। तो इसका अगर हम लोग पॉइंट में वैल्यू निकाले तो कितना रहा है? लगभग 0.6 और 3/4 का 0.7, बड़ा ही हो गया ना। यूएन प्लस वन छोटा होगा ना यूएन से? डिक्रीजिंग सीरीज लिखा है क्या मैम? पी सीरीज है तो पी सीरीज डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। Vn is P series. Un के बारे में तो हम लोग को नहीं पता है, Un के बारे में तो बस पता है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। हाँ, यहाँ पे आपका वैल्यू छोटा हो जाएगा। वेरी गुड, वही लॉजिक फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने पूछा था Vn और Vn plus 1 में क्या कनेक्शन होगा, तो Vn plus 1 Vn से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग 4 नहीं ले सकते हैं, तब क्या लेना होगा? एक वैल्यू लेस ले सकते हैं। तो भी तो आपका बड़ा ही आ रहा है ना। तो भी तो बड़ा ही आ जा रहा है।
मैम अगर वी एन लेस देन वी एन प्लस वन होगा तो वी एन की वैल्यू निगेटिव लेनी पड़ेगी ना। नहीं जरूरी नहीं है नेगेटिव ले हमें। भी कंडीशंस थोड़ा ज्यादा है क्या देखना होगा आपका वी एन वन बाई एन टू दी पावर पी को फॉलो करना चाहिए है ना। हम लोग का वी एन का सिलेक्शन ही रॉन्ग हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो वी एन हम लोग एक नंबर लिए हैं विच इज थ्री, तो थ्री तो नहीं होगा। वी एन का फॉर्म होना चाहिए वन बाई एन टू दी पावर पी के टर्म का। पी हम लोग कुछ फिक्स कर सकते हैं मैम, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई थ्री ऐसा ले सकते हैं। तो अगर वन बाई टू ले रहे हैं तो वी एन प्लस वन कितना निकलेगा, मैम तब वन बाय थ्री हो जाएगा। वन बाय थ्री हो जाएगा तो क्या केस आ रहा है, थ्री बाय टू यानी 1.5। अब ये p हमने वन लिया है तो p वन लिया है तो उसका केस क्या आ जा रहा है, p वन होने से क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट होगा मैम, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और पी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन कुछ पुट करके देखिए, इसी वन बाई टू में ही अगर पी हमने ग्रेटर देन वन लिया है, मान लीजिए पी का वैल्यू टू है तो वन बाई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन बाई थ्री स्क्वायर तो वन बाई फोर यानी 9/4 वैल्यू 2 point something। अच्छा इसको लिख लीजिए, मैं इसमें करेक्शन देख रही हूँ किस तरह से लगाया गया है। एक्चुअली कन्वर्जेंट के लिए ग्रेटर देन का साइन यूज कर रहे हैं, डाइवर्जेंट के लिए लेस देन का साइन कर रहे हैं। अभी तो लेस देन हम लोग को मिल गया था इसमें, लेकिन कन्वर्जेंट के केस के लिए भी क्या आ रहा है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस आ रहा है। तो हमारा कुछ एग्जाम्पल का सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अभी लिखिए मैं इसको वेरीफाई कर लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस दिस। बुक में एक बार चेक कीजिएगा बाय यूजिंग सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट लिखा है या फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। रैबीज टेस्ट का प्रूफ बुक से स्कैन करके सेंड कीजिएगा, अभी तक तो किसी ने किया नहीं है। यहाँ मुझे लग रहा है फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट होना चाहिए, सेकेंड है मैम, बुक में सेकेंड ही है ना। सेकेंड को कैसे यूज किया है एक्चुअली वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। अभी सेकेंड ही लिखते हैं, बाय सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज un by un plus 1 is greater or less than vn by vn plus 1। ठीक है, ये कंडीशन कैसे अप्लाई किया है इसलिए मैं वेरीफाई कर रही थी। तो लेस देन ग्रेटर देन का साइन तो सेकेंड में हम लोग यूज नहीं किए हुए हैं, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में लिखे हैं। लेकिन फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में un is less equal to vn है तो vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा, और यहाँ ग्रेटर देन का साइन है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अभी लिखिए, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में चेक कर बताऊंगी व्हाट इज द रीजन। सो un by un plus 1 इज ग्रेटर और लेस देन vn by vn plus 1, आपके पास vn का भी वैल्यू है और vn plus 1 का भी वैल्यू है तो दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा।
greater or less than, इसको simplify कीजिए, क्या मिलेगा? 1 plus 1 by n whole power p. Can you explain this by using binomial theorem? किसी को याद है? Binomial theorem use करके इसको expand कर सकते हैं. k plus b power n उसी फॉर्म का है, 1 plus 1 by n to the power p. अगर इसमें बाइनोमियल लगाएं तो क्या होना चाहिए? इस तरह से आपने पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम, a plus b power n. याद है किसी को एक्सपेंशन? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका भी स्टेटमेंट आपको नहीं भूलना चाहिए. तो वी विल स्टार्ट बाय राइटिंग एन सी जीरो, देन नेक्स्ट टर्म में एन सी वन, एन सी टू, लास्ट टर्म विल बी एन सी एन. याद करने का तरीका है, देन फर्स्ट टर्म का हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पावर डिक्रीज होते जाता है. सेकेंड टर्म का पावर जीरो से स्टार्ट होता है, एक एक करके इंक्रीज करते जाता है. डॉट 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 ऐसे लिखते हैं ना. याद आया? यस मैम. उसमें अगर आपको फर्स्ट टर्म वन है तो फर्स्ट टर्म के ऊपर ध्यान नहीं देना है, केवल सेकेंड टर्म के ऊपर हम लोग को कंसंट्रेट करना है. नाउ अप्लाई दैट इन योर टर्म, 1 plus 1 by n to the power p. अगेन बिना कॉपी के हेल्प से उस थ्योरम को यहाँ यूज करना है. बताइए तो एक्सपेंशन क्या होगा? फर्स्ट टर्म आपका वन है इसलिए उस पर कंसंट्रेट नहीं कीजिए, बी पे कंसंट्रेट कीजिए. एन सी जीरो का वैल्यू NC0, NC1, NC2, NCN, ये सब याद होना चाहिए. तो NC0 is 1, A भी आपका 1 है, B to the power 0, second term का power 0 रखना है, यानी वो भी 1 होगा. तो first term is 1, then second term, NC1, यानी PC1 का value. One B. P. And? ए को ध्यान में दीजिए, ए आपका वन है, बी टू दी पावर वन, तो बी के जगह पे वन बाई वन, एन है तो वन बाई एन टू दी पावर वन, देन एन सी टू, पी पी माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू. याद है? वन बाई एन का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. लास्ट टर्म विल बी एन सी एन, उसका वैल्यू भी वन होता है, एंड बी का पावर एन. पावर पी में जा रहे हैं. कोई प्रॉब्लम? कैसे अप्लाई हुआ बाइनोमियल? क्लियर है? नाउ रैबीज टेस्ट में आपका, अब थोड़ा रैबीज टेस्ट का स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है. हमने लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? एन un by un plus 1 minus 1. तो आपको क्या करना है अब, इसको ध्यान में रखते हुए दोनों साइड हम लोग अपने से माइनस 1 करेंगे, या आप बोल सकते हो ये प्लस 1 को हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे. क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज un by un plus 1 minus 1 is greater or less than, ये प्लस वन मान लीजिए इधर शिफ्ट हो गया तो क्या बचा? पी बाई एन, पी पी माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू, वन बाई एन का स्क्वायर प्लस ऑन वन बाई एन टू दी पावर पी. नीचे भी लिख सकते हैं,
एंड देन फिर इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है, आपको क्या करना है, एक एन भी चाहिए। तो इस टर्म में सबके डिनोमिनेटर में आपको एन दिख रहा है, तो एन को हम लोग फिर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन टाइम्स यू एन बाय यू एन प्लस वन माइनस वन? एक एन हम लोग कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो ये बचेगा आपके पास। क्लियर है यहां तक? जैसा रावीस टेस्ट का स्टेटमेंट है उस तरह से हमने लेफ्ट साइड को अरेंज कर लिया। अब इसमें क्या करना है आपको, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाना है। तो अगर हम लोग लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी दोनों साइड अप्लाई करते हैं तो राइट साइड विल बी क्या बचेगा? केवल p बचेगा, बाकी टर्म में n है, तो ऑल टर्म्स बिकम जीरो। और अब आप जान रहे हो कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होता है, व्हेन p इज कन्वर्जेंट कब होता है, पी सीरीज पी का वैल्यू कब होने से कन्वर्जेंट होता है? ग्रेटर और लेस देन वन। ना पी का वैल्यू ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट है, लेस देन इक्वल टू, लेकिन हमारा स्ट्रिक्टली साइन चल रहा है इसलिए हम लोग स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन यूज करेंगे, वन। तो n टाइम्स un बाई un प्लस वन माइनस वन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट होगा, और अगर l इज इक्वल टू वन है तो आपका टेस्ट फेल कर जाएगा। ठीक है, अपेक्षा मैम का क्लास है शायद, जो भी डाउट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसका एग्जाम्पल मैं क्लास एंड कर रही हूँ।